बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूं। ये वो टॉपिक्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। स्मार्ट सिलेबस वो सिलेबस है जो इस साल गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोरोना की वजह से शॉर्ट करके, मुख्तसर करके आपको दिया है। तो यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम भी देते हैं या सिंपली करंट भी कहते हैं। करंट क्या है इस पर बात होगी, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है इस पर भी बात होगी, तो मुख्तलिफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस का जिक्र किया जाएगा। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हुए फिर हम करंट की डेफिनेशन की तरफ चलेंगे, इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे और फिर यूनिट लिखेंगे। तो सबसे पहले करंट कब प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बोथ ऑफ द चार्जेस एट सेम टाइम। तो किसी मटेरियल के अंदर एक तरफ तरह का चार्ज प्रोड्यूस हो, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, या दोनों तरह के चार्जेस हों और एक ही टाइम में फ्लो कर रहे हों, तो फिर उस वक्त भी करंट प्रोड्यूस होता है। करंट की प्रोडक्शन कैसे होती है इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है और कुछ चीज़ें अपने पास से भी शामिल कर की हैं। तो सबसे पहले मेटल्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, तो अभी जानते हैं। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ रखा है, मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। फ्री तो नहीं हम उनको कह सकते, हम कह सकते हैं कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन विद न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई, के न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स जिन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है उनको एक तरह से हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन सी प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियस के अंडर नहीं रहते और वो एक तरह से फ्री हो जाते हैं। तो मेटल्स के अंदर करंट इज प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्जेस इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन आर नॉट टाइटली बाउंड एंड आर फ्री टू मूव। तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते और दे आर कंसीडर टू बी फ्री टू मूव। क्योंकि मेटल्स के अंदर ये फ्री टू मूव होते हैं, इसलिए मेटल्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। दूसरी अहम चीज़ जो कि चार्जेस के प्रोडक्शन का सबब बनती है, और जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो किसी कंडक्टर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर करंट का फ्लो होता है, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? दीज आर द सॉल्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट। तो जब कोई सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में,
और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं जब ये फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूशंस के अंदर आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आइंस कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव आइन और दूसरा नेगेटिव आइन। सो द करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, जिनको कैटाइंस और एनाइंस का नाम भी देते हैं, उनकी वजह से फ्लो करता है। तीसरी चीज़ जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने शामिल कर दी है क्योंकि ये चीज़ भी फ्लो ऑफ चार्जेस का सबब बनती है और करंट प्रोड्यूस होता है। लिखा हुआ सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स क्या है? ऐसी मेटल्स होती हैं जिनमें से बास सूरतों में तो करंट फ्लो करता है और बास सूरतों में नहीं। तो ये दो तरह की होती हैं, एन टाइप होते हैं मटेरियल्स और पी टाइप होते हैं। तो यहाँ पी टाइप मटेरियल्स का जिक्र किया जाएगा क्योंकि करंट का फ्लो पी टाइप मटेरियल्स के अंदर एक ख़ास चीज़ की वजह से होता है, जिनको होल्स का नाम देते हैं। होल्स मीन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन अ सेमी कंडक्टर दैट इज़ पी टाइप, ऐसे सेमी कंडक्टर्स जो पी शेप के पी टाइप के होती हैं, यानी पी टाइप मटीरियल होते हैं। चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो यहाँ चार्ज को कैरी करने वाले होल्स होते हैं। मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्ज कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस थे, जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स। तो हमने इससे एक समरी निकाल ली, एक रिजल्ट निकाल लिया, मेटल्स हों चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज फ्लो करेगा करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है और करंट प्रोड्यूस होता है। सेमी कंडक्टर्स के अंदर खासतौर पे जो पी टाइप सेमी कंडक्टर्स है, होल्स की वजह से चार्ज फ्लो करता है और करंट प्रोड्यूस होता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड द रिजल्ट दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट आर करंट। तो करंट क्या है इसको डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो करने का रेट जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से होता है उसको करंट का नाम देते हैं। रेट मीन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर ऑफ एरिया थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आर करंट। कि किसी कंडक्टर में से उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से टाइम के लिहाज से जो चार्ज फ्लो करता है उसको करंट का नाम देते हैं। अब इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इफ द चार्ज क्यू इज पासिंग आर फ्लोइंग थ्रू एनी एरिया इन टाइम टी, चार्ज क्यू है और टाइम टी है, देन द करंट आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं, फ्लोइंग थ्रू इट विल बी गिवन बाय, यानी जब कोई कंडक्टर हो उसमें से चार्ज क्यू फ्लो कर रहा हो और ये चार्ज टाइम टी के लिए फ्लो करे तो जो करंट है उस कंडक्टर में दर्ज झैल इक्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। करंट को सिंबॉलिकली आई से इक्वल टू चार्ज क्यू है और टाइम टी है, तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर ट्यू टी। यहाँ आई करंट, क्यू चार्ज और टी टाइम है। अब हम इसी इक्वेशन से इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। तो आई का यूनिट यानी करंट का यूनिट एम्पेयर है, वो हमने डिफाइन करना है। चार्ज का यूनिट कोलम्ब है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो हम चलते हैं यूनिट की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। नाउ वी डिफाइन व्हाट इज एम्पेयर। अब हम एयर को एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। इफ अ चार्ज ऑफ वन कोलम्ब, क्यू वन कोलम्ब पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरता है,
टाइम इन वन सेकंड देन द करंट इज वन एम्पेयर. मीन जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक कोलम्ब चार्ज एक सेकंड के लिए गुजरता है तो फिर करंट वन एम्पेयर होता है. तो एम्पेयर करंट का बड़ा यूनिट है. अब हम इसके स्मॉलर यूनिट्स की तरफ आते हैं. द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट आर मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर. मिली को एम कैप से और माइक्रो को म्यू ए से जाहिर करते हैं. अब हम ये एम्पेयर की सूरत में लिख देते हैं. वन मिली एम्पेयर इज इक्वल टू मिली का मतलब 1000 times, 1/1000 times. यानी 1/1000, 10^3 बनेगा, ऊपर चला जाएगा 10^-3 एम्पेयर. 1 mA इज इक्वल टू 10^-3 एम्पेयर एंड 1 μA इज इक्वल टू 10^-6 एम्पेयर के इक्वल होता है. आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.